योगी सरकार लगातार यूपी को अपराध मुक्त करने में जुटी है। लगातार अपराधियों को एनकाउंटर में ढेर किया जा रहा है, मगर इतनी सख्ती के बावजूद भी अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला उन्नाव जिले का है, जहां एक नाबालिग गैंग रेप पीड़िता के घर में जेल से जमानत पर छूटे दबंगों ने आंख लगा दी। दिल दहला देने वाली इस घटना में दो मासूम बच्चे झुलस गए। दोनों को गंभीर हालत में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों बच्चे आए थे, जो उसमें लड़की के चेहरे पर हल्की सूजन बढ़ी है, इसको देखते हुए उनको और बेहतर उपचार के लिए भेजा जा रहा है। हालांकि बच्चे अभी स्टेबल हैं, लेकिन क्योंकि हल्का सा चेहरे पर सूजन आ गया है, उसको और बेहतर उपचार के लिए हम उसको कानपुर रेफर कर रहे हैं। दरअसल ये मामला मोरावा थाना क्षेत्र के लादखेड़ा गांव का है, जहां एक 13 साल की नाबालिग से 31 दिसंबर और 13 फरवरी 2022 को गांव के ही तीन युवक अरुण, सतीश और अमन ने बंधक बनाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था, जिसकी शिकायत के बाद मोरावा पुलिस ने तीन आरोपियों को गैंग रेप के आरोप में जेल भेज दिया था, जहां से दो आरोपी एक महीने पहले जेल से जमानत पर बाहर आ गए और दोनों अपने दो अन्य साथियों के साथ नाबालिग पीड़िता के घर पहुंच गए और दुष्कर्म के मुकदमे में सुलह करने का दबाव बनाने लगे। पीड़ित परिवार का आरोप है कि इस दौरान दबंगों ने मारपीट की और उसके बाद घर में आग लगा दी। लड़की साथ गलत काम करे, सब लोग का दिमाग केस वापस ले ले नहीं, तुमका जानते मैडम, हमारे बिटिया को मारे, हम का मारे, हमारे बच्चन को उठा के आगे फेंक देना। रोशन और सतीश पहले भी क्या इनके खिलाफ रंजीत अय्या और ये राज बहादुर चंदन लाल, क्या पहले कभी इनके ऊपर आरोप लगा था, ये जेल गए थे? छूट गए निकातर और अरुण छूट गए, तुमका जान से मार डारा भैया, वो तला ले आई और गड्ढा जागर ले आई, मैं घर में पूरे बेटे पर पूरा बारे हम कहे चल रहा डरा बोल रहा है। जेल से छूटने के बाद फिर दोबारा ये घटना नहीं, कब छूट गया थी? हमका ये नहीं पता कब छूटे। पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपियों ने जान से मारने की धमकी देते हुए घर के भीतर रखे छप्पर में आग लगा दी। इस आग की चपेट में आने से नाबालिग गैंगरेप पीड़िता का 7 माह का बेटा और उसकी बहन गंभीर रूप से झुलस गए। बच्चों के अलावा पीड़िता और उसकी मां का भी इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। तो वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी सिद्धार्थ शंकर मीणा ने सीओ पूर्वा से जांच कर रिपोर्ट तलब की है। तो वहीं डीएम के निर्देश पर एडीएम नरेंद्र सिंह खुद जिला अस्पताल पहुंचकर मामले को संज्ञान में लिया है। इसमें घटना जो है ये पुरानी है और इसमें जो है एक गैंगरेप की घटना हुई थी, जैसा कि बताया जा रहा है 13/2/22 को घटना हुई थी, उसमें एफआईआर वगैरह दर्ज हुआ था और इसमें पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया था। इसमें तीन लोग जो है जेल भेजे गए थे, अमन डोम और सतीश और अरुण, तो इसमें दो लोग जमानत पर निकल के आए। और आज जो घटनाक्रम हुआ उसमें यह है कि इनका जो कहना है, अभी इन्होंने तहरीर लिख रहे हैं, तहरीर अभी इन्होंने नहीं दिया है, लेकिन मेरी जो बात हुई है ये कमला देवी से, वो बता रहे हैं कि एक शिव कुमारी है, 3 महीने की बच्ची है, वो उसकी वो जल है जो करीब जो है 45% करीब बर्न हुई है। एक मंगल सिंह है, डॉक्टर अब चांदनी के ही आरोपी थे कि उसके साथ गैंग रेप हुआ था, तो उसी की बच्ची है वो, मंगल सिंह वो बच्चा है, अभी वो जो है केवल 4 महीने का है और वो जले हैं, दोनों बर्न हुए हैं, अब यहाँ पे इलाज उसका कर रहे हैं और सी एम एस साहब मेरे साथ हैं, उसका प्रॉपर इलाज किया जा रहा है। और जो अभी उन्होंने तहरीर नहीं दिया है, तहरीर लिखी जा रही है, जो तहरीर में लिखेंगे उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। बहरहाल आग में झुलसे बच्चों और गैंगरेप पीड़ित समेत उसकी मां का इलाज चल रहा है। मामला प्रशासनिक अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद अब पीड़िता परिवार को न्याय की उम्मीद तो है, मगर पुलिस पर अभी भी भरोसा नहीं है। अब देखना ये होगा कि डीएम, एसपी और एडीएम के संज्ञान में आने के बाद कब तक आरोपी सलाखों के पीछे पहुंचते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए उन्नाव से विशाल सिंह चौहान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।